आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। कलेक्टर सौरभ कुमार ने राजस्व प्रकरणों अविवादित नामांतरण सीमांकन बंटवारा व्यपवर्तन नक्शा बंटांकन डिजिटल हस्ताक्षर खाता विभाजन नजूल पट्टा आदि लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि राज्य में डायवर्जन के संपूर्ण अधिकार SDM को दिए गए, इसलिए ऐसे प्रकरण जिले में नहीं आने चाहिए जिन्होंने डायवर्जन पोर्टल और भुइयां पोर्टल में एकरूपता लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा डायवर्जन के बाद इसका रिकॉर्ड भुइयां पोर्टल में भी दिखना चाहिए ताकि कोई असमानता न रहे। कलेक्टर ने अवैध कब्जा संबंधी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कर व्यवस्थापन करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने सरकारी खसरे की जमीन जिसमें अवैध कब्जा नहीं हुआ है उसे सूचीबद्ध करते हुए वेबसाइट में एंट्री करने के निर्देश दिए ताकि ऐसे प्रकरणों का समुचित निपटारा किया जा सके। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।